नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। आयुष्मान खुराना पहले से ही काफी तारीफें बटोर चुके हैं। 2018 में उन्होंने साल की दो बेस्ट फिल्मों में अपने नाम को दर्ज करा लिया है। अब आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म है ड्रीम गर्ल। फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है जिसमें आयुष्मान खुराना साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं और अब फिल्म से उनके रोल का भी खुलासा हो चुका है। दरअसल सूत्रों की माने तो फिल्म में आयुष्मान खुराना रामलीला में सीता का किरदार निभाएंगे। अब पूरी फिल्म ही रामलीला और उसकी तैयारी में निकल जाएगी या फिर ये केवल फिल्म का एक हिस्सा होगा, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना तय है कि आयुष्मान खुराना सीता माता के किरदार में नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि आयुष्मान खुराना इससे पहले अपनी फिल्म नौटंकी साला में रामलीला के प्ले में रावण का किरदार निभा चुके हैं। इस फिल्म में सीता के किरदार में थी एवलीन शर्मा। बहरहाल आयुष्मान को अब सीता के किरदार में देखना काफी दिलचस्प होगा। बॉलीवुड में कई एक्टर हैं जो क्रॉस ड्रेस कर चुके हैं, अब इनमें आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल होगा। वहीं अगर वो सीता के रोल की तैयारी करेंगे तो पहली बार पर्दे पर बिना दाढ़ी के नजर आएंगे, तो आयुष्मान के इस नए रूप को देखने के लिए भी तैयार रहिएगा। वैसे आपको याद दिला देते हैं उन बॉलीवुड एक्टर्स की जो पहले क्रॉस ड्रेस हो चुके हैं। फिल्म गोलमाल की बात करते हैं तो जहां पर अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी ने इतना गोलमाल किया कि पता ही नहीं चल पाया कि हसीना कौन है और दीवाना कौन। वहीं फिल्म जाने मन में सलमान खान कुछ इस तरह सेक्सी अंदाज में नजर आए थे। जब सलमान खान की बात हो तो खिलाड़ी कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं। अक्षय कुमार भी लड़की के लुक में नजर आए थे। अक्षय कुमार इस लुक में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे। आमिर खान भी फिल्मबाजी और टाइटन के एड में कमाल दिखा चुके हैं। आमिर तो लड़की के लुक में इतने खूबसूरत दिखे हैं कि उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। वही जब बात आमिर की हो तो शाहरुख को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। शाहरुख खान डुप्लीकेट और त्रिमूर्ति में इस अवतार में दिख चुके हैं और फिल्म में उन्हें काफी हॉट लुक भी दिया गया था। बात गोविंदा की कर लेते हैं। आंटी नंबर वन में पूरी फिल्म में ही आंटी के अवतार पे दिखे थे गोविंदा। इस चैलेंजिंग काम के लिए उनकी तारीफ भी काफी हुई थी। वहीं बॉलीवुड के यंग एंड हैंडसम एक्टर में रणबीर कपूर भी हैं, जो फिल्म में तो नहीं लेकिन फिल्म फेयर में लड़की जरूर बन चुके हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।